इंसान जुर्म की मकसद से इस दुनिया में पैदा नहीं होता, मगर वक्त और बदलते हुए हालात उसको जरायम करने पर मजबूर करते हैं। कहीं वो रिश्तों की आड़ में खून बहाता है तो कभी जर और जमीन के तनाजे पर। लेकिन जुर्म करते वक्त उसे ये अंदाजा नहीं होता कि वो एक ऐसी राह पर चल पड़ा है जहां सिर्फ तारीकी और भयानक मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है। नाम चौधरी असद अली, तालीम बीएससी इंजीनियरिंग, पुलिस में शमूलियत 3 अगस्त 2003, ओहदा एसएसपी पीएसपी ऑफिसर। बीएसपी असद ने एक ऐसे वाकये की तहकीकात की जिसमें एक भाई ने अपनी ही बहन का घर उजाड़कर रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया। आज मैं जो आपको एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जो दास्तान सुनाऊंगा वो बहुत ही पुरसरार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, जिसमें एक शाहनवाज नामी लड़का जो था, जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी, वो घर से 5 दिसंबर 2011 को पुरसरार तरीके से वो गायब हो जाता है। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए यूसुफ। शाहनवाज को तुमने कहीं देखा? कल से मैं परेशान हूँ, कहाँ है वो? अच्छा, मैं इसके दोस्तों से पता करता हूँ। हेलो। हाँ यार, पता चला शाहनवाज का? अच्छा नहीं यार, जैसे पता चले ना तो मुझे बता दियो, ठीक है? असल में चाचा बहुत परेशान हो रहे। ठीक है, ओके। हाँ मामू को भी मैंने कॉल कर दी थी, वो आते ही होंगे। ओ मामू भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? उनके दोस्तों से मालूम करता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तुमने मालूम किया बेटा किसी से? हाँ मैंने दोस्तों से पता किया, वो अभी तक वहाँ भी नहीं पहुँचा। आप कुछ करें चाचा, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम आ गए, सब मिलके ढूंढेंगे, अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो। ऐसा भाई, आप परेशान बिल्कुल ना हो, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। उसकी तलाशी करते हैं सारे, उसके वालिद साहब जिनका नाम ईसा है, वो न्यू कराची पुलिस स्टेशन में आते हैं, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराते हैं कि मेरा बेटा जो है वो कहीं गुम हो गया, कहीं गायब हो गया पुरसरार तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए। मेरा बेटा 2-3 दिन से गुम हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ है वो, आप मेरी मदद करें प्लीज़। आपने अपने रिश्तेदारों में, उसके दोस्तों में पता किया? सब जगह पर पूछ लिया मैंने, कहीं भी नहीं है। इससे पहले भी कभी बगैर बताए वो गया है? नहीं, कहीं भी नहीं गया वो, कभी भी बताए बगैर कभी भी नहीं गया है। उसका मोबाइल नंबर, कोई कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, उसको आपने ट्रेस किया? मोबाइल तो है उसके पास, लेकिन मुझे उसके कोई कांटेक्ट नंबर या उसके साथ के नंबर कोई पता नहीं है। ठीक है, आप ऐसा करें, तमाम हॉस्पिटल वगैरह में चेक करें और आप रिपोर्ट लिखवा दें, जैसे ही कोई इतला मिलती है हम आपको बता दें। फरमान उनकी रिपोर्ट। यस सर, आई जनाब मैं आपकी रिपोर्ट लिखवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी असद ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया और सादा लिबास में मलबूस 2 जासूस ईसा के घर पे तैनात कर दिए। दूसरी जानिब ईसा ने अपने बेटे की तलाश में शहर का कोना कोना छान मारा। Thank you.
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। ये शाहनवाज साहब यहीं रहते हैं? जी शाहनवाज साहब यहीं रहते हैं। टाइमिंग मालूम है उनकी? नहीं टाइम तो कुछ भी नहीं। अच्छा सही, चलें ठीक है। पुलिस ने शाहनवाज की खोज के दौरान घरेलू अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया, जिस पर कई बातें सामने आईं और सबको हैरान कर दिया। आइए इंस्पेक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। मेरे बच्चे का कहीं पता चला आपको इंस्पेक्टर साहब? आपने उसके दोस्तों में पता किया? मैं सब जगह पर पता कर चुका हूँ। उसके रिश्तेदारों में? रिश्तेदारों में भी पूछा है मैंने, कहीं पता नहीं चल रहा उसका। ये कौन है? ये इनके मामू हैं, ये इनके कज़न हैं। सबसे पता कर लिया, कहीं नहीं पता नहीं चल रहा इसका। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पास में ही रहता हूँ सर। तो आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? भांजा है मेरा, तो परेशान तो मैं हूँगा ना सर। ये वालिद हैं, परेशान तो ये भी हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि पुलिस को देख के कुछ आप परेशान हो गए। आपके चेहरे पर भी पसीना आ रहा है, खैर तो है ना? नहीं पसीना तो नहीं आ रहा सर, जाहिर है भाई गर्मी भी बहुत है सर। आप फिक्र नहीं करें, हमारे पास कुछ क्लू मिले, पूरी तनदेही से आपके बेटे को हम तलाश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक उसकी कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। बस ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा इंस्पेक्टर साहब। आओ बानो बेटा। ये कौन है? ये शाहनवाज की जो है ना भाभी है सर, घर की है हमारी। आपसे तो मैं बहुत जल्दी तफसीली मुलाकात करता हूँ। घर में देखें एक बंदा को परेशान जो है लग रहा हो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। हमने उसको एनालाइज कर लिया, मेरे जो मुखबर थे उन्होंने मुझे बता दी कि ये बड़ा परेशान रहता है उसका मामा। हाँ गौरी बैठो बैठो। तो क्या अपडेट है शाहनवाज के केस की? सर मैंने ऑफिशियली तौर पे भी तमाम मालूमात की है, खानदान के फर्ज हर फर्ज से मैं मिला हूँ और मैं अभी सिविल ड्रेस में भी इलाके का भी गश्त लगा के आया हूँ और तमाम तहकीकात के बाद मेरा अपना तजर्बा ये कहता है और मुझे यकीन भी है कि जो लड़का लापता है इसके लापता होने में इसके मामू नूर का पूरा पूरा हाथ है। तुम्हें ऐसा कैसे लगता है? क्योंकि इसकी तमाम हरकत मशकूक हैं और मुझे यकीन है सर कि ये जो लड़का लापता है इसके मामले में इसका मामू पूरी तरह इन्वॉल्व है और मुझे तो अब शक भी होने लगा है शायद वो अब जिंदा नहीं है। ठीक है तो तुम अपना घेरा तंग करो और उस इलाके में अपने तमाम मुखबर फैला दो। सर मैंने अपने मुखबर उस इलाके में छोड़ दिए और एक बहुत ख़ास आदमी जो इस मामले में बहुत तेज़ है उसको मैंने इसके मामू के पीछे लगा दिया और सर मुझे यकीन है कि एक दो रोज़ के अंदर अंदर इसका मामू हमारी गिरफ्त में होगा और वो इंशाल्लाह ताला सब कुछ उगल देगा। ठीक है जो भी रिपोर्ट होती है मुझे अपडेट कर देना। ठीक है सर। ठीक है मैं इसमें बड़े वसूख के साथ कहूँगा जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग जो स्टाफ था उसके साथ जो मैंने दो आदमियों को टीम लगा दी थी जो कि एक स्पाइंग का काम कर रहे थे, जासूसी का काम कर रहे थे सिविल कपड़ों में, उन्होंने मुझे खबर दी कि नूर जलील वाल शेर खान बड़ा अपसेट रहता है, बड़ा परेशान रहता है। जो इन्फॉर्मेशन है वेदर ये क्रेडिबल है या नहीं है सर? उस केस के हवाले से बहुत अहम खबरें मेरे हाथ लगी और मैंने अपने मुखबर को भी बुलाया, वो अभी आने वाला है और आके देखे सर वो बताता है कि वो क्या इंकशाफ करता है इस बारे में। अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ कि केस आज हल हो जाएगा। सर मुझे पूरी उम्मीद है सर वो आने वाला ही है, बस किसी लम्हे पहुँचने वाला ही होगा वो। सलाम सर। सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई क्या खबर लाए हो? साहब मैंने नसीर नूर जलील और यूसुफ इन तीनों का पीछा किया और काफ़ी मालूम इकट्ठी हुई इनसे और तीनों के बीच में बहुत बड़ी कोई खिचड़ी पक रही है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? बात इस तरह से कह सकता हूँ कि हाँ नूर जलील नसीर और यूसुफ इन तीनों के बीच में बातें हो रही थी तो यूसुफ ने कहा कि तुमने वो लाल कपड़ा कहाँ कर दिया। तुम्हारे ख्याल में लाल कपड़ा क्या चीज़ है? इनकी घबराहट से और इनके बहस तकरार से ये मालूम हो रहा था कि इस लाल कपड़े की कोई बहुत बड़ा राज है शाहनवाज से मुतालिक। ओह ठीक है तुम इलाके में रहो और इन तीनों पर गहरी नजर रखो और जैसे ही कोई खबर मिले फौरन आके इतला दो क्योंकि साहब इस केस को फौरी तौर पे हल करना चाहते हैं। ठीक है सर। ठीक है जाओ। इससे पहले कि ये तीनों तुम्हारी गिरफ्त से निकल जाए इन्हें हिरासत में ले लो।
ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। बिल्कुल, आउट ऑफ मैनी पीपल वी हैव बीन एबल टू पिन पॉइंट दैट गाय मिस्टर नूजरील, और उसको फिर हमने जेरे रास्ते ले लिया। दौरान इंटरोगेशन दो रातें हमने उसको जगाते भी रहे, उससे पूछते गए, क्वेश्चन आंसर हमारे चलते रहे। सर ये है नूर जलील, बड़ी मुश्किल से हारा है, उस लड़के के कत्ल में ये इन्वॉल्व है। बताओ साहब को सर यही कातिल है, इसने उसका मर्डर किया। क्या बात है, क्यों बुलाया? जो भी इंतजार कर रहा हूँ मैं जो भी कहना है जल्दी कहो किसी ने देख लिया तो और बवाल खड़ा हो जाएगा कोई नहीं देखेगा और ना किसी को शक होगा कि हम इस तरह मिलते हैं था। इसका मतलब तू जिसे चाहेगा कत्ल कर देगा, कानून को अपने हाथ में ले लेगा। ये यूसुफ कहाँ है? मुझे साहब ये बहुत ढीठ है, ये ऐसे नहीं बताएगा। इसको दो दिन के लिए मेरे हवाले करें, इससे सब कुछ होगा लगा लूंगा। इससे बाकी दोनों साथी का है, यूसुफ और नसीर दोनों मफरूर हैं, लेकिन एक दो दिन के अंदर वो भी सलाखों के पीछे होंगे। यूसुफ और नसीर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करो और इन तीनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो और मुझे चालान बना। सलामुअलैकुम मामू। देखिए ब्रेक के बाद। एहसान कर दिया भी हमारे ऊपर। ये एहसान में करती है।